ए सॉलिड बॉल ऑफ मेटल हैज ए स्फेरिकल कैबिस हैज ए स्पेरिकल कैबिटी इन साइड इट इफ द बॉल इज हीटेड, द वॉल्यूम ऑफ द कैबिटी। ठीक है वॉल हीट करेंगे तो सॉलिड uh, बॉल है या समझिए ढंग से इस बात को एक सॉलिड बॉल है मेटल की और उसके अंदर स्पेरिकल कैबिटी है इस तरह की सिचुएशन है ठीक ये हिस्सा सॉलिड है तो जब हम इसको गर्म करेंगे टेम्परेचर का बढ़ाएंगे थर्मल एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा तो थर्मल एक्सपेंशन होने का मतलब ऐसा होता है कि आप ऐसे समझो कि आप इस ऑब्जेक्ट को मान लिया मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हो इस तरह से थर्मल एक्सपेंशन में चीज़ मैग्नीफाई होती है ठीक है इस तरह से थर्मल एक्सपेंशन होता है जैसे आप इस ऑब्जेक्ट को कैसे देख रहे हो मैग्नीफाइंग ग्लास से जब आप मैगनीफाइंग ग्लास से देखोगे तो ये जो इंटरनल रेडियस है ढंग से समझना इस बात को ये इंटरनल रेडियस है स्मॉल आर ये भी बढ़ रही होगी ये जो एक्सटर्नल रेडियस है कैपिटल आर ये भी बढ़ रही होगी इनके बीच का ये जो गैप है आर माइनस आर ये भी बढ़ रहा होगा हर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही होगी हर दो हर दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ रही होगी मान ली एक आटम यहाँ है एक आइटम है इनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ रही होगी एक आइटम ये है एक आइटम ये है इनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ रही होगी हर ये एक ऐटम यह एक एटम ये है इसके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ रही होगी हर दो एटम के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही होगी और ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा जैसे आप इस पूरे ऑब्जेक्ट को कैसे देख रहे हो मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हो तो ओवरऑल वॉल्यूम भी बढ़ेगा मेटल का जो जिस हिस्से में मेटल है उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा जिस हिस्से में कैविटी है उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा सब कुछ बढ़ेगा सारी डायमेंशन बढ़ेंगी हर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो है वो बढ़ेगी हर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी क्लियर द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी विल ऑल्सो इंक्रीज सो योर आंसर इज ए पार्ट रेशियो अमंग लीनियर एक्सपेंशन एरियल एक्सपेंशन कॉफिशियंट एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशियंट तो ये आपको पता है एल्फाइजामा जो होता है वो किसके बराबर होता है एल्फाइज बीटा इस टू गामा किसके बराबर होता है वन इज टू टू इज टू थ्री के बराबर होता है ठीक प्रोवाइडेड वो तीनों ही चीजें सेम मेटल के लिए होनी चाहिए सेम सब्सटेंस सेम मेटल मतलब ऐसा ना हो कि लीनर एक्सपेंशन कॉफिशियंट आप कॉपर का ले रहे हो एरियल एक्सपेंशन कॉफिशियंट आप एल्यूमिनियम ले रहे हो और जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशियंट है वो आप आयरन का ले रहे हो और फिर आप सोचो वन टू थ्री का रेशियो होगा बिल्कुल नहीं होगा ठीक वो सिर्फ क्या कब होगा जब तीनों ही ऑब्जेक्ट किसके हों सेम मेटल के हो बाई मेटल स्ट्रिप्स आर यूज फॉर बाई मेटल स्ट्रिप हम किस किस काम के लिए यूज करते हैं तो मेटल थर्मोमीटर्स के लिए यूज करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए भी यूज करते हैं थर्मोस्टेट्स के लिए भी यूज करते हैं ठीक तो ये आंसर बनेगा इसका डी पार्ट ऑल ऑफ द एवर। टेम्परेचर ऑफ ए पेंडुलम फिजिकल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज टी इज रेज बाई डेल्टा थीटा टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं डेल्टा थीटा से तो टाइम पीरियड में पूछ रहे हैं क्या चेंज हो जाएगा ठीक है तो फिजिकल पेंडुलम है या सिंपल पेंडुलम है ठीक है इसमें जो टाइम पीरियड होता है वो अंडर रूट एल के प्रोपोर्शनल होता है ठीक तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड में चेंज होगा तो जो चेंज चेंज की अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो ये आ जाएगा आपका डी टी इज प्रोपोर्शनल टू हाफ या एक मिनट इसको इस तरह से करते हैं टैम टाइम टाइम पीरियड जो है अगर लेंथ के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है तो इसको ले सकते हैं टी इज इक्वल टू के टाइम्स अंडर रूट एल एल की पावर हाफ अब मैं इस इक्वेशन को जनरल डिफ्रेंशिएशन करने जा रहा हूँ तो टी का तो हो गया डी टी के एल को करेंगे तो पहले पार का करना पड़ेगा तो हाफ टाइम्स एल की पावर माइनस हाफ हो जाएगा और फिर एल का होगा तो ये हो जाएगा डी एल अब दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं तो डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स जब आप डिवाइड करोगे तो ये डी एल अपॉन एल नीचे बन जाएगा ठीक अब डी एल जो है वो चेंज इन लेंथ है और चेंज इन लेंथ जो होता है वो था एल एल्फा डेल्टा टी ठीक है थर्मल एक्सपेंशन में अगर मैं चेंज इन एल लिखूंगा चेंज इन लेंथ तो ये बन जाएगा एल एल्फा एल्फा लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशियंट है और चेंज इन टेम्परेचर थे इस केस में वो दिया डेल्टा थीटा ठीक ये लीनियर एक्सपेंशन की हमने इक्वेशन लगा दी अब इसमें क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी तो एल से एल क्या हो जाएगा कैंसिल आउट तो जो चेंज इन टाइम पीरियड आपका आएगा डी वो आपका आ जाएगा टी अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन टू सो योर आंसर इज ए पार्ट ये आएगा चेंज इन टाइम पीरियड ऑन हीटिंग ए लिक्विड हैविंग कॉफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एल्फा इन ए कंटेनर हैविंग लीनियर कॉफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल्फा बाई टू ठीक है लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशियंट एल्फा है और जो कंटेनर है जिस कंटेनर में वो है ढंग से देखिए जिस कंटेनर में वो है जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशियंट है ठीक है एल्फा से लीनियर में समझना वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशियंट जो है वो अल्फ़ा है कंटेनर का सॉरी ah, लिक्विड का और जिस कंटेनर में है उस कंटेनर का लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशियट देखिए लिखा है उसमें कंटेनर हैविंग कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज अल्फा बाई टू तो कंटेनर का वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशियंट कितना हो जाएगा तो वो थ्री अल्फा बाई टू हो जाएगा तो कंटेनर का जो वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशियंट है वो थ्री अल्फा बाई टू है इसका मतलब जब आप गर्म करोगे इसको तो कंटेनर बहुत तेजी से बढ़ेगा लिक्विड उतना तेजी से नहीं बढ़ पाएगा कंटेनर बहुत तेजी से फैलेगा लिक्विड उतना तेजी से नहीं फैल पाएगा तो इसका लेवल जो लिक्विड का है वो ड्रॉप हो जाएगा अगर हम गर्म करते हैं इसको तो ठीक तो बस यही पूछ रहे हैं ऑन हीटिंग ए लिक्विड हैविंग कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एल्फा इन ए कंटेनर हैविंग ए कॉफिशियंट ऑफ लीनर एक्सपेंशन एल्फा वाई टू द लेवल ऑफ लिक्विड इन द कंटेनर वुड फॉल क्योंकि कंटेनर तेजी से भागेगा और लिक्विड उतना तेजी से एक्सपेंड नहीं हो पाएगा जितनी तेजी से कंटेनर एक्सपेंड हो रहा होगा या इसमें मैं कहूं कि एपरेंट वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशेंट ठीक वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशेंट की एपरेंट वैल्यू कितनी होगी इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी तो होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशेंट ऑफ लिक्विड जो कि है अल्फा माइनस वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉविशंट ऑफ कंटेनर जो कि है थ्री अल्फाब तो ये आ गया निगेटिव निगेटिव का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा क्लियर एबीसीडी इज ए थिन आयरन शीट ए होल विद रेडियस आर इज मेड इन इट इन द मिडिल इफ वी हीट अप द शीट व्हाट विल हैपन टू द होल होल को होगा क्या वो पूछ रहे हैं तो अभी बात हुई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर आप उसको हीटअप कर रहे हो तो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हो तो हर डायमेंशन बढ़ जाती है ठीक है ये जो शीट है इसकी डायमेंशन भी बढ़ेगी जो होल है उसकी डायमेंशन भी बढ़ेगी सारी डायमेंशन बढ़ रही होंगी ठीक अगर मैं मैंशन करूँ तो इस तरह से होगा कि जो होल है उसकी रेडियस भी बढ़ेगी ठीक है इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको नाम देता हूँ ए ये भी बढ़ रहा होगा जो ये डायमेंशन है एल कह देते हैं ये भी बढ़ रहा होगा हर दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही होगी तो ये ऐसे बेहेव करेगा सिस्टम जैसे कि आप इसको किससे देख रहे हो मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हो जूम करके देख रहे हो आप इसको ठीक है फोन की स्क्रीन में आप किसी भी चीज को जूम करके देखते हो तो हर डायमेंशन बढ़ जाती है बिल्कुल वैसे ही होगा <coughs> तो होल को कह रहे हैं, तो रेडियस विल इंक्रीज ए पार्ट ए बीकर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर ऑफ फोर डिग्री सेल्सियस ये बीकर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वॉटर एट फोर डिग्री सेल्सियस इट विल ओवर फ्लो इफ जरा समझना है इसमें आराम से देखिए ये एक बीकर है इसको आपने पानी से पूरा फुल भरा हुआ है लेकिन वो पानी कितने टेम्परेचर पे है फोर डिग्री सेल्सियस बिल्कुल किनारे तक भरा हुआ है अप टू ब्रिम फोर डिग्री सेल्सियस अब सिचुएशन ये है कि अगर अब मैं इसको गर्म करता हूँ या ठंडा करता हूं तो क्या होगा तो जरा समझिए देखिए अगर मैं अगर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको समझ लेना है कि पानी की जो डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर एट फोर डिग्री सेल्सियस ये मैक्सिमम होती है मतलब ये है कि अगर मैं फोर डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाऊं तब भी डेंसिटी कम होगी यानी वॉल्यूम बढ़ेगा वो समझ में भी आता है आपको सम, आपको लगता होगा थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन अगर आप फोर डिग्री सेल्सियस से कम भी टेम्परेचर करोगे तब भी डेंसिटी कम होगी और वॉल्यूम बढ़ेगा यानी चार डिग्री सेल्सियस पे पानी है तो उसकी डेंसिटी मैक्सिमम है उसका वॉल्यूम मिनिमम होगा आप चार से गर्म करोगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा चार से ठंडा करोगे तब भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो वही पूछ रहे हैं इट विल ओवरफ्लो इफ तो चाहे आप चार से गर्म करो तब भी ओवरफ्लो कर जाएगा और चार से ठंडा करोगे तब भी ओवरफ्लो कर जाएगा दोनों केसेज में ये ओवरफ्लो करेगा और इसमें हमने एक चीज़ कंसिडर नहीं करी है वो है बीकर का एक्सपेंशन कॉफिशेंट जो बीकर है वो भी कुछ थर्मली एक्सपेंड करेगा तो उसके बारे में हम यहाँ पे कोई चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे मेंशन भी नहीं है ठीक ठीक है तो समझ लो आप इसको पानी की डेंसिटी चार पे मैक्सिमम होती है चार से गर्म करोगे तब भी एक्सपेंशन होता है उसका वॉल्यूम बढ़ता है डेंसिटी कम होती है और चार से अगर आप ठंडा करोगे तब भी उसका एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी कम होती है सो योर आंसर इज सी पार्ट ई बार ऑफ आयरन इज टेन सेंटीमीटर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस एट नाइनटीन डिग्री सेल्सियस इट विल भी उसकी लेंथ क्या होगी कितना बढ़ जाएगा कितना छोटा जाएगा तो ऑब्वियसली लेंथ बढ़ेगी तो शॉर्टर वाला तो आंसर बनेगा नहीं लॉन्गर वाला आंसर बनेगा और कितना बढ़ जाएगी बस वही पूछ रहे हैं तो डेल्टा एल आपका जो होगा वो होगा एल एल्फ़ा डेल्टा टी लेंथ थी दस सेंटीमीटर एल्फा आपको दिया है ग्यारह इंटू टेन रिश्वर माइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर कितना बढ़ा है ट्वेंटी सॉरी गड़बड़ हो गई यहां पे 20 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस किया मतलब टेम्परेचर कम किया तो बार की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी ठीक तो ये वाले आंसर तो बनेंगे नहीं इसमें तो कितना टेम्परेचर का ड्रॉप हुआ एक डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप हुआ तो इंटू वन तो ये आपका आ जाएगा इलेवन इंटू टेन की पावर माइनस फाइव सेंटीमीटर इतनी लेंथ कम हो जाएगी कम क्यों हो गई क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ टेम्परेचर बढ़ जाता तो वो बढ़ जाती आंसर इज सी पार्ट स्टील टेप्स गिव्स करेक्ट मेजरमेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस ए पीस ऑफ वुड इज बींग मेजर्ड विद द स्टील टेप एट जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है तो जीरो डिग्री सेल्सियस पे स्टील की जो टेप है वो क्या हो गई होगी कॉन्ट्रैक्ट हो गई होगी क्योंकि करेक्ट रीडिंग दे रही है वो बीस पे और आप मेजर कर रहे हो जीरो पे तो स्टील का कॉन्ट्रेक्शन हो गया होगा यानी अब उसका जो मेजरमेंट होगा वो वो ढंग से समझना देखिए जैसे ये मान लीजिए स्टील टेप है और ये मार्किंग थी यहां पे जीरो यहां पे मान लिया है वन सेंटीमीटर यहाँ है टू सेंटीमीटर यहाँ है थ्री सेंटीमीटर यहाँ फोर सेंटीमीटर यहाँ फाइव सेंटीमीटर ठीक अब क्या हुआ अब टेम्परेचर कम हुआ कम हुआ टेम्परेचर तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई ठीक कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो मैं अब इस तरह से दिखा रहा हूँ मान लिया ये अब स्टील की टेप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई ठीक अब जो इसकी रीडिंग है तो degree, जीरो डिग्री मान लिया ज़ीरो यहाँ पे है वन थोड़ा पास आ गया होगा टू और पास आ गया होगा थ्री और पास आ गया होगा फोर और पास आ गया होगा फाइव और पास आ गया होगा ठीक और कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मैंने इसके साथ रख के मेजर किया और इस स्टील टेप ने बताया कि पाँच सेंटीमीटर तो अब आप मुझे बस इतना ही कॉमन सेंस से बताओ कि उस स्टील टेप ने तो कह दिया मेजर्ड वैल्यू पाँच सेंटीमीटर है अब बताओ वो जो ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी एक्चुअल क्या वो पाँच सेंटीमीटर होगी कि पाँच से ज़्यादा होगी कि पाँच से कम होगी तो पाँच से कम होगी वो क्यों क्योंकि पाँच सेंटीमीटर एक्चुअली यहाँ था अब टेम्परेचर कम होने की वजह से स्टील टेप कॉन्ट्रैक्ट हो गई इसकी वजह से उसका पांच यहां पहुंच गया लेकिन पांच यहां पहुंच जाने से ये पांच सेंटीमीटर लेंथ नहीं हो जाएगी ये तो पांच से कम ही रहेगी तो वही क्वेश्चन है इसमें इफ द रीडिंग इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ऑन द टेप टेप कह रहा है पच्चीस सेंटीमीटर तो डेफिनेटली उसकी लेंथ पच्चीस सेंटीमीटर से कम रही होगी सो इट्स रियल लेंथ ऑफ द वुड विज इज लेस देन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर मस्ट बी लेस देन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर बी पार्ट टू रॉड्स ऑफ लेंथ एल वन एंड एल टू आर मेड अप ऑफ मटेरियल हुज कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आर एल्फा वन एंड एल्फा टू रिस्पेक्टिवली दो रॉड्स हैं उनकी लेंथ एल वन और एल टू है और उनके लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट एल्फा वन और एल्फा टू है इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर अब इस कंडीशन पर फोकस करते हैं एक रॉड है इसकी लेंथ एल वन है एक्सपेंशन कोफिशिएंट एल्फा वन है दूसरी रॉड है एल टू एक्सपेंशन कोफिशिएंट एल्फा टू और इनकी लेंथ का जो डिफरेंस होगा यानी ये मैं कहता हूँ एल वन माइनस एल टू कह रहे हैं ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है यानी अभी L1 वन माइनस एल टू है डिफरेंस तो टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे मान लिया आपने डेल्टा डी टेम्परेचर बढ़ा दिया डेल्टा डी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो पहली रॉड की लेंथ होगी L1 वन टाइम्स वन प्लस एल्फा वन डेल्टा टी और दूसरी रॉड की लेंथ होगी एल टू टाइम्स वन प्लस एल्फा टू डेल्टा टी और अब इनका जो डिफरेंस होगा वो ये हो जाएगा और ये डिफरेंस वही है जो कि पहले था यानी एल वन माइनस एल टू के ही बराबर है इनके रॉड का लेंथ का डिफरेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ये और इनिशियल जो डिफरेंस होगा ये दोनों बराबर हैं तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जाएगा एल वन प्लस एल वन एल्फा वन डेल्टा टी माइनस एल टू माइनस एल टू एल्फा टू डेल्टा टी इज इक्वल टू एल वन माइनस एल टू तो ये L1 से ये L1 वन कैंसल आउट हो जाएगा माइनस एल से ये माइनस एल टू आउट हो जाएगा डेल्टा टी कॉमन लेके हम जीरो में भेज सकते हैं उधर तो ये आपके आगे इक्वेशन एल वन एल्फा वन इज इक्वल टू एल टू एल्फा टू तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा तो एल वन अपॉन एल टू अगर पूछा जाएगा तो कितना आ जाएगा ये एंड इट इज एल्फा टू अपॉन एल्फा वन बी पार्ट द रेडियस ऑफ ए रिंग इज आर एंड इट्स कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज एल्फा इफ द टेम्परेचर ऑफ़ द रिंग इंक्रीज इज बाई थीटा देन इट्स सर्कम फ्रेंस विल इंक्रीज बाई ठीक है देखिए जंग से रेडियस आर है लीनियर एक्सपेंशन कॉफिशियंट एल्फा है और टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो थीटा से तो नई रेडियस कितनी हो जाएगी आर डैश या रेडियस में इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा डेल्टा आर तो डेल्टा आर हो जाएगा आपका आर एल्फा डेल्टा टी यानी यहाँ पर टेम्परेचर का इंक्रीमेंट है थीटा ये होगा रेडियस का इंक्रीमेंट सरगम so, फ्रेंस कितनी होती है सरगम फ्रेंस होती है टू पाई आर सरगम फ्रेंस होती है आपकी टू पाई आर तो सरगम फ्रेंस का इंक्रीमेंट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा टू पाई इंटू डेल्टा आर डेल्टा आर की वैल्यू डाल दीजिए तो so, ये होगा आपका सरगम फ्रेंस का इंक्रीमेंट कितना आ गया आपका टू पाई आर एल्फा थीटा सो योर आंसर इज बी पार्ट इफ टू रॉड्स ऑफ लेंथ एल एंड टू एल हैंग कॉफिशियट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल्फा एंड टू एल्फा आर कनेक्टेड एन टू एंड द एवरेज कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द कंपोजिट रॉड ठीक है तो एन टू एंड जो है वो ये मान रहा हूं मैं क्योंकि पहले भी क्वेश्चन आए हैं और डीसी पांडे में एन टू एंड इसी को माना गया है एक रॉड जो है उसकी लेंथ है आपकी एल और ये जो दूसरी रॉड है इसकी लेंथ है आपकी टू एल यहां एक्सपेंशन कॉफिशियंट है एल्फा और यहां एक्सपेंशन कॉफिशियंट है टू एल्फा ठीक और एवरेज कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन पूछ रहे हैं कितना होगा यानी ये पूरी की पूरी थ्री एल लेंथ की रॉड अगर किसी एक सिंगल मेटेरियल की बनी हो तो उसका एवरेज एक्सपेंशन कॉफिशियंट पूछ रहे हैं ठीक तो कंसेप्ट क्या लगेगा वो समझना कंसेप्ट ये लगेगा कि इस रॉड का एक्सपेंशन प्लस इस रोड का एक्सपेंशन जो टोटल एक्सपेंशन होगा वही एक्सपेंशन उस कंपोजिट रोड का होना चाहिए ठीक तो पहली रॉड का एक्सपेंशन कितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा एल एल्फा डेल्टा टी दूसरी रॉड का एक्सपेंशन कितना हो जाएगा तो हो जाएगा टू एल टाइम्स टू एल्फा डेल्टा टी और यही टोटल एक्सपेंशन जो है उस कंपोजिट रॉड का होना चाहिए कंपोजिट रॉड की टोटल लेंथ होगी थ्री एल टाइम्स एल्फा नेट डेल्टा टी ठीक मैंने क्या कंसेप्ट लगाया कि डेल्टा टी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहली रोड का एक्सपेंशन प्लस दूसरी रोड का एक्सपेंशन जो टोटल एक्सपेंशन होगा वही एक्सपेंशन उस कंपोजिट रोड का होना चाहिए तो इस सिस्टम का टोटल एल्फा जो नेट होगा वही एल्फा नेट उस रॉड का भी रहा होगा ठीक तो वही एल्फा नेट लिख दिया मैंने यहाँ पर अब देखते हैं ज़रा क्या है? कैंसिल आउट हो जाएगा तो डेल्टा टी और एल डेल्टा टी और एल और डेल्टा टी और एल कैंसिल आउट हो गया इधर तो हुआ आपका फाइव एल्फा और इधर हो गया थ्री अल्फा नेट तो अल्फा नेट इज इक्वल टू फाइव अल्फा बाई थ्री सो योर आंसर इज सी पार्ट ए मीटर रॉड ऑफ सिल्वर एट जीरो डिग्री सेल्सियस इज हीटेड टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जीरो से हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर बढ़ाया इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाई पॉइंट वन नाइन सेंटीमीटर कॉविशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन पूछ रहे हैं ठीक है तो लीनियर एक्सपेंशन कॉविशियन निकाल लेंगे यहाँ से उसको थ्री से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम एक्सपेंशन काविशन मिल जाएगा आपको ठीक जो इंक्रीमेंट लेंथ में आ रहा है डेल्टा एल तो वो होता है एल एल्फा डेल्टा टी कितना इंक्रीमेंट है तो वो है पॉइंट वन नाइन सेंटीमीटर मीटर रॉड थी इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ उसकी सौ सेंटीमीटर रही होगी एल्फा आपको निकालना है और टेम्परेचर भी आपने हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से ही बढ़ाया है. तो एल्फा आपका हो जाएगा पॉइंट वन नाइन इंटू टेन की पावर माइनस फोर या फिर चाहो तो आप लिख सकते हो वन पॉइंट नाइन इंटू टेन की पावर माइनस फाइव पर डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशेंट गामा तो ये हो जाएगा थ्री अल्फा के बराबर तो ये आपका हो जाएगा फाइव पॉइंट सेवन इंटू टेन की पावर माइनस फाइव पर डिग्री सेल्सियस सो योर आंसर इज ए पार्ट ये यूनिफॉर्म मेटल रॉड इज यूज्ड एज ए बार पेंडुलम इफ द रूम टेम्परेचर राइजेज बाई टेन डिग्री सेल्सियस एंड द कोविशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज टू इंटू टैनिस फोर माइनस सिक्स पर डिग्री सेल्सियस द टाइम पीरियड द पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल हैव ए परसेंटेज इंक्रीज कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा तो जो डेल्टा टी हो जाएगा अपॉन टी वो इक्वेशन आई थी हाफ टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल या डी एल अपॉन एल ये हमने इक्वेशन निकाली थी और इसकी वैल्यू अगर डेल्टा एल की डालेंगे तो ये आ जाएगा हाफ टाइम्स एल एल्फा डेल्टा थीटा अपॉन एल एल से एल कैंसिल आउट हमें तो परसेंटेज इंक्रीज़ चाहिए टाइम टाइम पीरियड में कितना हो जाएगा तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू हंड्रेड हमको ये चाहिए तो ये आपका हो जाएगा एल्फा डेल्टा थीटा डेल्टा थीटा इंक्रीज इन टेम्परेचर अपॉन टू इंटू हंड्रेड ये आपको निकालना सारी वैल्यू डाल देते हैं एल्फा जो है वो है टू इंटू टेन इस वो माइनस सिक्स टेम्परेचर आपने कितना बढ़ाया दस डिग्री सेल्सियस इन टू हंड्रेड अपॉन टू तो ये टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आ रहा है टेन रेज टू पावर माइनस थ्री परसेंट पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट का इंक्रीमेंट होगा टाइम पीरियड में इंक्रीमेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया है टेम्परेचर बढ़ेगी तो लेंथ बढ़ेगी लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा तो टाइम पीरियड में इंक्रीमेंट होगा तो माइनस वाले आंसर नहीं आएंगे प्लस वाले आंसर आएंगे सो योर आंसर ज डी पार्ट टू रोड ऑफ डिफरेंट मेटीरियल थर्मल एक्सपेंशन एल्फा वन एल्फा टू एंड मॉडल वाई वन एंड वाई टू रिस्पेक्टिवली रॉड है ये अल्फा वन है ये अल्फा टू है इसका यंग्स मॉडल वाई वन है और इसका वाई टू है आर फिक्स बिटवीन टू रिजिट मैसेव वॉल्स ठीक है फिक्स रिजिट वॉल्स है यानी लेंथ में चेंज हो नहीं सकता ठीक है द रॉड्स आर हीटेड सच देट देर गो सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर दोनों का सेम टेम्परेचर हमने बढ़ाया है इसका भी बढ़ाया डेल्टा टी और इसका भी बढ़ाया डेल्टा टी ठीक और कोई बैंडिंग नहीं है रॉड्स बैंड नहीं होंगी स्ट्रेट ही रहेंगी एल्फा वन एल्फा टू का रे, रेशियो दिया है आपको और थर्मल स्ट्रेस डेवलप पूछ रहे हैं आर इक्वल थर्मल स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो इक्वल होगा तो यंग्स मॉडल का रेशियो पूछ रहे हैं तो पहले आप समझ लो कि रॉड को का एल्फा एक्सपेंशन कॉविशियंट अगर एल्फा वन है और टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया है एल एल लेंथ दोनों की बराबर है इसकी भी लेंथ एल है इसकी भी लेंथ एल है, है तो कितना इंक्रीमेंट रॉड करना चाहेगी एल एल्फा वन डेल्टा टी इतना इंक्रीमेंट करना चाहिए ठीक है तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा उसके अंदर डेल्टा एल अपॉन एल तो ये आ जाएगा एल्फा वन डेल्टा टी तो यंग्स मॉडल्स का फॉर्मूला होता था यंग्स मॉडल्स जो होता था वो होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल तो ये आपका बन जाएगा एफ़ अपॉन ए डिवाइडेड बाई एल्फा वन डेल्टा टी अब थर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं ये जो स्ट्रेस होगा ये थर्मल स्ट्रेस ही है तो थर्मल स्ट्रेस अगर हम निकालेंगे एफ अपॉन ए तो ये किसके बराबर आ रहा है तो ये आ रहा है आपका वाई वन एल्फा वन डेल्टा टी के बराबर तो ये पहली रॉड का थर्मल स्ट्रेस है दूसरी रॉड का जो थर्मल स्ट्रेस हो जाएगा वो हो जाएगा वाई टू एल्फा टू डेल्टा टी फर्स्ट रॉड का है अगर सेकेंड रॉड का हम थर्मल स्ट्रेस निकालेंगे बिल्कुल इसी कंसेप्ट से तो ये बन जाएगा वाई टू एल्फा टू डेल्टा टी अब कह रहे हैं दोनों रॉड्स में जो थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुए हैं वो बराबर हैं इसका मतलब y1 वन एल्फा वन डेल्टा टी जो है वो बराबर है किसके y2 टू एल्फा टू डेल्टा टी के तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो गया तो y1 वन अपॉन वाई का जो रेशियो है वो एल्फा टू अपॉन एल्फा वन के बराबर आ रहा है एल्फा वन अपॉन एल्फा टू टू वाई थ्री था तो एल्फा टू अपॉन एल्फा वन कितना बन जाएगा आपका तो वो आ जाएगा थ्री बाई टू सो योर आंसर इज थ्री बाई टू सी पार्ट अगला क्वेश्चन करते हैं कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ मरकरी इज मर्करी का वॉल्यूम एक्सपेंशन का कॉफिशियंट आपको दिया है और मरकरी की आपको डेंसिटी दी है जीरो डिग्री सेल्सियस पर दो सौ डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी पूछ रहे हैं तो डेंसिटी का जो रिलेशन होता है रो डैश इज इक्वल टू रो नॉट वन माइनस गामा डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी ये रिलेशन आ जाता है सारी वैल्यू डाल देते हैं अब इसमें आप कुछ और भी समझ सकते हो जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी कम होगी तो 13.6 से कमी तो होगी 13.6 से कम तो एक ही आंसर दिया है थर्टीन पॉइंट वन वन तो आंसर डायरेक्टली आप क्या टिक कर सकते हो ये पार्ट कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट कर लो ये है थर्टीन पॉइंट सिक्स वन माइनस गामा जो दिया है वो दिया पॉइंट वन एट इंटू टेन इज माइनस थ्री और टेम्परेचर कितना बढ़ाया आपने दो सौ डिग्री सेल्सियस से तो आप इसको सॉल्व कर लो आपको आंसर मिल जाएगा ग्लास फ्लास्क ऑफ वॉल्यूम 200 हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब इज जस्ट फिल्ड विद मरकरी एट 20 डिग्री सेल्सियस पूरा भर दिया है ब्रिम तक उसको इस तरह की सिचुएशन है एक फ्लास्क है ग्लास का और मरकरी से आपने उसको पूरा फिल कर दिया है ठीक द अमाउंट ऑफ मरकरी दैट उ टेपरेचर ऑफ द सिस्टम इज रेज बाई हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जब हेस टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया है इसका मतलब 20 से 100 बढ़ाया इसका मतलब 80 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर आपने बढ़ाया है कितना मरकरी ओवरफ्लो हो जाएगा तो उसके लिए आपको गामा एप्रेंट फाइंड करना पड़ेगा गामा एप्रेंट एक्सपेंशन कॉफिशेंट तो वो होगा मरकरी का माइनस गिलास का तो ये आपका आ जाएगा वन पॉइंट तो ये आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स इंटू टेन स्पॉर माइनस सॉरी माइनस फाइव दोनों में नहीं है तो दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे मरकरी का जो है वो वन पॉइंट एट इंटू टेन माइनस फोर है तो उसको माइनस फाइव में करेंगे तो ये आ जाएगा 18 इंटू टेन एस पावर माइनस फाइव और गिलास का जो है वो वन पॉइंट टू इंटू टेन पावर माइनस फाइव है तो अब जब आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा सिक्सटीन पॉइंट एट इंटू टेन माइनस फाइव पर डिग्री सेल्सियस अब कितना लिक्विड ओवरफ्लो कर जाएगा डेल्टा वी तो ये बनेगा v गामा एपरेंट इंटू डेल्टा t इतना लिक्विड जो है वो ओवरफ्लो कर जाएगा वॉल्यूम कितना था वॉल्यूम था आपका 200 हंड्रेड सी सी गामा एपरेंट कितना आया तो वो आया वन पॉइंट सिक्स एट इंटू टेन एज टू और माइनस फाइव और टेम्परेचर आपने बढ़ाया एट्टी डिग्री सेल्सियस से तो अब आपको सारा मल्टीप्लाई कर लेना है और आपको आंसर मिल जाएगा कि इतने सी सी जो मरकरी है वो ओवरफ्लो हो जाएगा क्लियर अगला क्वेश्चन देखते हैं सॉलिड एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग सॉलिड हीटिंग हीट करने पर सॉलिड एक्सपेंड क्यों होते हैं तो सॉलिड इसलिए एक्सपेंड होते हैं ये थ्योरी का पार्ट है थ्योरी में समझाया जाता है कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है वर्सेज इंटर एटोमिक सेपरेशन ये सिमेट्रिक नहीं होता है ये ग्राफ आपका इस तरह से होता है कुछ तो अगर इस एनर्जी पे सिस्टम ऑसोलेट कर रहा होगा तो एवरेज इंटर एटोमिक सेपरेशन ये बनेगा ये आर वन कह देता हूं मैं और अगर इस एनर्जी लेवल पे सिस्टम ऑसोलेट करेगा तो एवरेज इंट्राएटोमिक सेपरेशन ये बनेगा R2 तो जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते जाओगे इस सिमेट्री नहीं होने की वजह से एवरेज इंट्राइटोमिक सेपरेशन की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है और जिसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन होता है ठीक तो क्या आंसर बनने वाला है इसका द पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज असिमेट्रिक अबाउट द इक्बिरियम डिस्टेंस अबाउट द इक्बिरियम डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स ठीक है जो तो सिमेट्रिक नहीं है ये इसलिए थर्मल एक्सपेंशन जो है वो एग्जिस्टेंस में अगर ये सिमेट्रिक होता ढंग से समझो अगर ये ग्राफ ऐसा होता देखो एकदम सिमेट्रिक होता तो इससे क्या होता कि अगर आप इस एनर्जी लेवल पे इस एनर्जी लेवल पे अगर मान लिया सिस्टम है तो अभी एवरेज डिस्टेंस इनका मिड पॉइंट यही आती और अगर इस एनर्जी लेवल पे है तब भी एवरेज डिस्टेंस मतलब इनका मिड पॉइंट यही आता अगर इस एनर्जी लेवल पे है तब भी एवरेज डिस्टेंस मतलब इनका मिड पॉइंट यही आता तो एवरेज इंटर सेपरेशन में कोई चेंज नहीं होता तो थर्मल एक्सपेंशन एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेज इंटर एटोमिक सेपरेशन का जो ग्राफ है वो सिमेट्रिक होता तो वो सिमेट्रिक नहीं है गिरता ये बहुत तेज़ी से है बट उठता बहुत आराम से है इसलिए सिमेट्रिक नहीं है द कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ क्रिस्टल इन वन डायरेक्शन इज एल्फा वन एंड द अदर टू डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इज एल्फा टू ठीक जैसे मान ली एक्स डायरेक्शन में कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन एल्फा वन है और वाई डायरेक्शन में अल्फा टू है और जेड डायरेक्शन में भी एल्फा टू है तो क्यूबिकल एक्सपेंशन कॉफिशियंट क्यूबिकल एक्सपेंशन कॉफिशियंट मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉफिशेंट गामा पूछे हैं तो अगर सिस्टम जो है वो यूनिफॉर्म हो तीनों डायरेक्शन में सेम होता है तो ये थ्री अल्फा के बराबर होता है अब थ्री अल्फा जो होता होगा वो आता होगा एल्फा प्लस अल्फा प्लस एल्फा तीनों डायरेक्शन का तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के जो अल्फाज हैं वो के ऐड कर दिए थ्री अल्फा आ जाएगा अब इस केस में बराबर नहीं है तो इस केस में हम गामा क्या लिखेंगे एल्फा वन प्लस एल्फा टू प्लस एल्फा टू सो योर आंसर इज एल्फा वन प्लस ट्वाइस एल्फा टू तो क्या आंसर मिलेगा आपको सी पार्ट स्टिल रोड ऑफ डायमीटर वन सेंटीमीटर इज क्लेम्ड फर्मली एट ईच एंड वन टेम्परेचर इज ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस सो देट इट केन नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग टेंशन पूछ रहे हैं रॉड में जीरो डिग्री सेल्सियस पर तो कितना टेम्परेचर गिरा दिया आपने पच्चीस डिग्री सेल्सियस तो चेंज इन लेंथ कितना होना चाहेगा तो होगा एल एल्फा डेल्टा टी ठीक और तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल तो यह आ जाएगा एल्फा डेल्टा टी ठीक और जो यंग्स मॉडल होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल मतलब एल्फा डेल्टा टी तो यहां से जो फोर्स आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा वाई ए एल्फा डेल्टा टी ये होगा थर्मल स्ट्रेस की वजह से जो टेंशन आएगा जो फोर्स आएगा फोर्स लिख रहा हूं मैं उसको अब इसमें सारी वैल्यू आपको पता है आपको यंग्स मॉडल्स आपको दिया है आपको एल्फा दिया है टेम्परेचर का ड्रॉप पच्चीस डिग्री सेल्सियस वो दिया है ठीक है और आपको डायमीटर भी दिया है तो आप क्रॉस सेक्शन का एरिया भी फाइंड कर लोगे तो सारी वैल्यू इसमें डालो और आपको आंसर मिल जाएगा